अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, है कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मक्कारों की पोल खोल कर, अरे मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं भाई, चलो धनाधन करते हैं, चलो धनाधन करते हैं। आप सभी दर्शकों को झगड़ा प्रसाद लफड़ा प्रसाद दे दनादन उर्फ कक्का जी का यानी मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों आज मैं ये किताब पढ़कर आ रहा हूँ, इसका नाम है पावर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की शक्ति। आपको ये मालूम ही होगा कि ये 21वीं सदी में पहुंच चुका हमारा गरीब देश आज से सदियों पहले दुनिया भर के लिए ज्ञान का केंद्र बना हुआ करता था। बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा, ऋषि मुनि, चिंतक, गणितज्ञ इस धरती पर पैदा हुए हैं। पहले यहाँ पढ़ने के लिए आश्रम हुआ करते थे, जहाँ छात्र अपने माता पिता तथा घर छोड़कर गुरु के पास रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे, जिसे हम गुरु शिष्य परंपरा के नाम से भी जानते हैं। अरे सानी अभी तक यही हो, चलो अभी। जरा रुक ना दो मिनट, मैं ये चिट्ठी पढ़ लूं। बस जब देखो तब तू और ये तेरी चिट्ठी, जैसे और कोई काम ही नहीं है। अरे ये तो आज ही आई है और साथ में मनी ऑर्डर भी आया है। मनी ऑर्डर चाहिए था ना, वो तो मिल गया ना, क्या ये चिट्ठी अभी पढ़नी जरूरी है? हाँ जरूरी है, अगर तुझे जाना हो ना तो तू जा। पर ऐसी क्या खास बात है इस चिट्ठी में? मैंने तुझे बताया था ना कि हमारे गांव में कितनी परेशानियां होती है, वहाँ मेरी माँ और बहन तानी दोनों अकेली औरतें कैसे गुजारा करती है, चारों तरफ सिर्फ मर्द ही मर्द। अरे इसमें लिखा है हमारे दो बैल भी चोरी हो गए हैं। बैल चोरी हो गए? अरे बैल भी कोई चोरी हो जाते हैं? वही तो, हमारे गाँव की समस्या है तुम नहीं समझोगी। तो फिर अब क्या करेगी तेरी बहन? यही तो पूछा है कि क्या करना चाहिए। मेरी बहन को शक है तुलाराम पर, तुलाराम बनिए का हम पर बहुत उधार निकलता है और उसी की वसूली के लिए उन्होंने दो आदमी भी घर पे भेजे थे और उसी रात दो बैल चोरी भी हो गए। तुझे पता है बैलों का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है, हमारी पूरी जिंदगी उसी पे निर्भर होती है। तो क्या बीमा नहीं करवाया था? आजकल तो हर चीज पर बीमा होता है। बीमा तो होता है लेकिन हम जैसे छोटे और गरीब लोगों को ये लाभ कहाँ मिल पाता है, और मिले भी तो कितनी देर बाद। तो फिर तो क्या, ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग ग्राम समिति के सदस्य हैं, तो वहीं से कर्जा मिल गया। समिति माने सहकारी बैंक, ये तो अच्छी बात है। पर ये तो बता कि बैलों का चोर पकड़ा गया कि नहीं? मेरी दीदी गर्म मिजाज की है, वो तो शक होने पर ही तुलाराम से मारपिटाई करने चल पड़ी। वो तो अच्छा हुआ कि ग्राम सेविका सरला दीदी ने उसे किसी तरह रोका। ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए, इससे तो मुसीबत उल्टी उसी के सर पर आ जाएगी। तो फिर इस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए? अगर तेरी बहन को तुलाराम पर शक है तो पुलिस से फरियाद क्यों नहीं करती? ऐसा करने से तो तुलाराम खुद ही जाके पुलिस में रिपोर्ट करवा देगा। बैल तो जाएंगे ही पर तेरी बहन भी मुसीबत में फंस जाएगी। आखिर कायदा कानून नाम की भी कोई चीज होती है। बात तो तेरी ठीक है, मैं आज ही उसे चिट्ठी लिखती हूँ कि सबसे पहले पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाए। बिल्कुल,
मारामारी करने से बैल थोड़ी ना वापस मिल जाने वाले। अब चल, बहुत देर हो गई है। देखा, अनपढ़ होने के कारण सानी की बहन तानी शोषण का शिकार हुई। ऊपर से कायदा कानून न जानने से गलत कदम उठाने चली थी। असल में यही होता है अज्ञान या अंगूठा ज्ञान, वो गलत सही का ज्ञान नहीं कर पाता। इसी वजह से लोग ऐसा काम कर बैठते हैं कि दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप ही बताओ कि सिर्फ शक होने पर ही सानी की बहन तानी अगर तोलाराम से मारपीट कर बैठती तो पुलिस क्या उसकी मदद करती? सानी की सहेली ने उसे बिल्कुल सही सलाह दी। अब वहां क्या होता है उसका हम इंतजार करेंगे। ए सानी, सुन तो। कक्का जी, आपने मुझे बुलाया, आती हूँ। हाँ, कहाँ जा रही है सानी बेटी? पोस्ट ऑफिस, चिट्ठी डालने। अपनी बहन तानी को? आपने ये कैसे जाना? कक्का के बाल धूप में सफेद नहीं हुए। अच्छा बता, क्या हुआ? गांव में तेरे बैल चोरी हो गए थे ना? अरे कक्का जी, ये सब आप कैसे जानते हैं? अरे बिटिया, हम तो चेहरा देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं, यानी खत का मजमू जान लेते हैं लिफाफा देखकर। अरे कक्का जी, बड़ी मुश्किल उठानी पड़ी पर बैल मिल गए। पर हुआ क्या था, पूरी बात बता। बड़ी लंबी कहानी है कक्का जी। मेरे बाप के गुजर जाने के बाद मेरे चाचा सहित पूरा गांव ही हमारे पीछे पड़ गया था। हमारी जमीन, बैल, भैंस सब पर उनकी नजर थी। पर कक्का जी, मेरी पढ़ाई काम आई। मैं यहाँ से जो जो सलाह भेजती रही उस पर अमल कर मेरी बहन तानी ने पूरा मामला निपटाया। तो भाइयों, कैसे निपटाया ये मामला, ये देखते हैं इस फिल्म में, सानी की कहानी में। तानी, ये बात तूने समझदारी की। कौन सी बात जीजी? ये पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली बात। मैंने सानी को लिखा था तो उसने सलाह दी कि पुलिस में ही जाना चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बात तो उसकी बिल्कुल सही है। देख, जमीन जायदाद के हिस्से को लेकर तुम लोग पंचायत में कानून की बात करो, और बैल चोरी हो गए तो कायदा कानून छोड़कर हाथापाई पर उतर आओ, ये कहाँ की समझदारी है? पर सवाल तो ये है जीजी कि कानून हम गरीबों के काम आता है या नहीं? देख, कोशिश तो करनी चाहिए कि नहीं? वो ही तो कर रहे हैं कोशिश, पर पुलिस हमारी सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, चोरी हुई है वो तो हकीकत है। पर तुम्हें लगता है उससे कोई फायदा होगा? हाँ हाँ, जरूर फायदा होगा। देख, तू अकेली तो ढूंढ नहीं सकती तेरे खोए हुए बैल को, और तू खुद हाथापाई करेगी तो तोला, दीता सबको मौका मिल जाएगा तुझे परेशान करने का। फिर तेरी माँ अकेली क्या करेगी? ठीक है, चलो एक बार पुलिस में भी जाकर देख ही लें। सुनिए भाई साहब, भाई साहब, अरे भाई साहब, कौन है? मैं यहाँ की ग्राम सेविका हूँ, हमें चोरी की रिपोर्ट लिखवानी है। चोरे? किसकी चोरे? कहाँ की चोरे? कैसे चोरे? कौन कर गया चोरे? ये सब पता होता तो हम खुद चोर को पकड़ न लेते। ऐ छोरे, कौन है तो? दरअसल इसी के खेत में चोरी हुई है, ये तानी है। उसी के खेत में से थोड़े दिन पहले रात में बैल चोरी हो गए। थोड़े दिन पहले? और रिपोर्टाज लिखवाने आई है? देखिए, ये अनपढ़ है, उसे तो ये सब बातों का पता ही नहीं था। पर जब अनपढ़ लगते तो नहीं, जबान तो बहुत तेज चलते हो उसके। हाथ भी तेज चलता है कांस्टेबल साहब। ए छोरे, पुलिस स्टेशन है ये, ज्यादा बकवास करेंगे तो फिर ये डंडा चलने लगेगा क्या? देखिए, ये पहली बार पुलिस थाने में आई है, उसे कुछ पता नहीं है, उसे माफ कर दीजिए और आप मेरी बात सुने। हाँ, सिर्फ तुम बोलो। हमें, यानी इसको शक है कि इसी गांव का एक साहूकार
तोलाराम नाम है उसका, उसी ने इसके बैल चोरी करवा लिए हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, मतलब ये तो उसका शक है। इस गंवार को तो किसी पर भी शक जाएगा, उसके कहने पर किसी को भी तो पकड़ नहीं सकते हम। और तोलाराम फिर भी बड़ा आदमी है इस गांव का। जी जी, ये भी उस तोला से उधार लेता होगा। ए छोरी, क्या बोले तो? कुछ नहीं, तुम रपट लिखने के बदले उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो तो फिर तुम मुझे सिखाएगे? हाँ, 20 साल की नौकरी में आज तक मेरे साहब ने भी ऐसा नहीं कहा होगा। चल चल चल, निकल निकल तो इधर से, मेरे को मेरी ड्यूटी बिल्कुल मालूम है। चलिए जाइए, आपको सिखाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये लड़के की बात आप मत सुनिए। तानी, ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह से तो कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। आप मेरी बात मानिए, ये लड़के को तोलाराम के आदमी ने धमकी दी थी। वो इसके घर आए थे और उसी रात जब ये और इसकी माँ सो रहे थे तब उसके बैल चोरी हो गए। रात को ये सो रही थी, तब तो फिर पता कैसे चला? किस बात का? अरे बैल चोरी हो गए कैसे? उस बात का। हाँ, वो सवेरे पता चला। आइए, सो रही थी रात को, कब चोरी हुई मालूम नहीं, किसी ने देखा नहीं, और सीधा इल्जाम तोलाराम पर। तोलाराम बैल चुराने आएगा? वो नहीं तो उसके आदमी आए होंगे, पर आखिर दोष तो उसी का हुआ ना। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? कुसूर साबित तो हुआ नहीं है अभी। पर शक तो कर सकते हैं। तुमने शक किया और मैंने मान लिया, तो क्या करना चाहिए? अरे रपट लिखनी चाहिए, ये रपट क्यों नहीं लिखता? ए देखो सरला बहन, मैंने पहले ही बोला था, ये लड़के बीच में बोलेगी तो तुम दोनों को भगा दूंगा। अब बहुत हो चुका, अब आप जाइए। अब मेरा और आपका दोनों का वक्त जाया कर रही हैं। आप भी इतनी समझदार होने के बावजूद इस गवार की बातों में आ जाती हैं। है? ए, 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 गवार तू होगा, तेरा खानदान। ए, मेरे को गवार कहती है तू? पुलिस थाने में आकर पुलिस से जबान लड़ाती है। चल चल, निकल निकल यहाँ से। अरे वरना, देख लूंगी तेरे को। अरे वरना कर दूंगा तेरे को अंदर। क्या? चलो चलो जा। चलो जीजी, ये क्या न्याय करेगा हमारा, हम खुद कर लेंगे फैसला। आइए आइए सरला बहन, कैसी है आप? तानी आ, तू भी आ। राम राम। बस ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, आराम से हूँ। आपको तो मालूम ही होगा कि तानी के घर एक दिन तोला के आदमी आए थे पैसे वसूलने, उसी रात तानी के बैल चोरी हो गए। अब हम तोलाराम के विरुद्ध पुलिस में रपट लिखवाने गए तो वो हमारी सुनता ही नहीं, रपट लिखने से मना कर दिया। क्यों? आप तो ग्राम सेविका है, आपकी बात वो कैसे टाल सकता है? वो अलग बात है, उसके लिए मुझे उसके ऊपर लड़ने जाना पड़ेगा, पर इस वक्त हमें तानी की समस्या सुलझाने की जल्दी है। अगर आप इस गांव के सरपंच होने के नाते जोर देंगे तो पुलिस को मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी के अभी मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। तानी के लिए जो भी करना पड़े मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। चलो, चलो चलते हैं। तोलाराम, बोलो आपको क्या कहना है? अरे मैं क्या कहूं सरकार, मुझे तो अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि मुझे क्यों बुलाया गया है। इस लड़के तानी ने आपके विरुद्ध फरियाद लिखवाई है कि उसके बैल चोरी हो गए हैं, तो मैं क्या करूं सरकार? बीच में मत बोलो, तुम्हें पूछा जाए तब बोलो। हाँ तो वो चोरी में तुम्हारा हाथ है, मतलब वो चोरी तुम ही ने करवाई है, ऐसा इल्जाम है। थानेदार साहब, आपको तो मालूम है मैं इस गांव का शरीफ आदमी हूं, पूरे इलाके में मेरी इज्जत आबरू है कि नहीं? और मेरे जैसा आदमी ऐसा कर सकता है भला? हैं? हम भी नहीं मानते थे, पर अब यह छोरी किसी और का नहीं आप ही का नाम ले रही है, तो कोई तो बात होगी ना। कौन ये?
ये तानी? हाँ। इसे तो मैं खूब पहचानता हूँ सरकार। एक तो इसका बाप मेरे से कर्जा ले गया था, वो तो चुकाती नहीं, जब देखो मारपीट करती रहती है। अच्छा, ये तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, वरना पूछो सरपंच जी से पूछो। अरे ये तो तानी और मुझे दोनों को जानते हैं सरकार। सरपंच जी आप ही बताइए कौन चोर हो सकता है। अरे सरपंच जी से क्या पूछते हो, वही तो रिपोर्ट लिखाने आए हैं। यानी आप खुद? आपने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराई है सरपंच जी आप? वरना क्या, इस गवार की बात मानकर मैं तुम्हें थाने में बुलाता। देखिए आप बार बार ये गवार शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। क्यों, इन्हें हक नहीं न्याय मांगने का? वो तो ठीक है सरपंच जी साथ आए, वरना मैं तो ऊपर तक जाती। देखिए सरला बहन, आपसे मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आप इनके लिए फिर क्यों? थानेदार साहब आप छोड़िए इन सब बातों को और पहले तोलाराम से पूछताछ कर लो। सरपंच जी आप जैसा आदमी मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? इनका ये कहना है जिस रात को चोरी हुई उसके थोड़े ही घंटे पहले आपके आदमी इनके घर गए थे, ये छोरी की माँ को धमकी देकर गए थे। पर सरकार वो तो पैसे मांगने गए थे, तानी नहीं थी तो वापस आ गए, इसमें चोरी वाली बात कहाँ से जुड़ गई सरकार? अरे इनसे ये पूछो कि दो दिन पहले हमारे आमने सामने बात हो गई थी ना, फिर किस बात के लिए आदमी भेजे थे? हाँ हाँ, तानी के साथ मैं भी गई थी तोलाराम के यहाँ, मैंने खुद तोलाराम के साथ बैठकर हिसाब किया था। बोलो तोला, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सरकार ऐसा है कि बहुत पुराना हिसाब है, ये चुकाती ही नहीं, उस दिन भी मेरी दुकान में आकर सिर्फ बात करके ही चली गई थी, कुछ चुकाया तो था नहीं। ए, इसकी बात सही है? हाँ, हमने बोला था मेरी बहन आकर हिसाब करेगी। फिर आदमी क्यों भेजे? सरकार उसी दिन देता, यानी कि इसका काका मेरी दुकान पर आया था, उसने कहा इस बार तानी की फसल अच्छी हुई है, तो मुझे लगा यही सही वक्त है पैसा निकलवाने का, तो आदमी भेज दिए। सरकार मैं खुद तो जाता नहीं कहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ सरपंच जी आप कुछ पूछना चाहते हो? थानेदार साहब हमारा एक और आदमी पर भी शक है, वो है ये तानी का काका दीता। अच्छा, उसकी तानी के साथ कब से दुश्मनी है, तो हो सकता है ये काम दीता ने किया हो। देखा सरकार, मैं तो पहले से ही कहता था। सरपंच जी आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। सरकार अब मैं जा सकता हूँ? सरपंच जी आपकी जिम्मेवारी पर छोड़ता हूँ, जाइए तोलाराम। शुक्रिया थानेदार साहब, और कभी कोई मेरे लायक खिदमत हो तो बुलाइए हुजूर, हाजिर हो जाऊंगा। अब कोई दीता को हाजिर करो। अरे सरकार मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ सरकार। झूठ बोलता है ये। थानेदार साहब ये मेरे बाप की जमीन हड़पना चाहता था, पर जब वो उसे नहीं मिली तो हमें ये परेशान करना चाहता है अब। अरे नहीं सरकार नहीं, जमीन नहीं मिले तो बैल चुरा के कौन सा फायदा होगा? जलता है ये, हमारी खुशहाली देखी नहीं जाती इससे। बोल उस दिन तू और तड़वी सरपंच के घर गए थे कि नहीं? बोलो। हाँ सरकार गए थे, पर फिर मैंने ही घर से निकाल दिया था, तो ये और तड़वी जाते जाते कानों कान कुछ बातें कर रहे थे। अबे देख दीता, सब सच सच बता दे, वरना अंदर लॉकअप में 3 दिन भूखा रखूंगा तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा, समझा? सरकार आप मेरी बात मानिए, ये छोरी मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। देखिए इस तरह से ये नहीं बताएगा, आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे मेरे तरीके से काम करने दो, अपने आप सच्ची बात मालूम पड़ जाएगी। अभी ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या हुआ थानेदार साहब, कुछ बोला? अरे अच्छे अच्छों की ओ हमने सीधा कर दिया है, इंसान की आंखों में झांक कर हम बता देते हैं कि असली चोर कौन है।
अबे जाओ बाप लोग आराम से अपने घर जाओ। ए छोरी के बाल उसके घर पहुंच जाएंगे, दीता ने उसे जहां भी बेचा है ले आएंगे वहां से हम। अब उसने गुनाह कबूल कर लिया है तो ज्यादा सजा मत देना, हम केस वापस ले लेंगे। जैसे आपकी मर्जी सरला बहन। धन्यवाद थानेदार जी, मैं चलता हूँ। राम राम। धन्यवाद धन्यवाद थानेदार जी, धन्यवाद। ठीक है। देखा माँ, धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। हाँ, और तुम दो बहनों ने तो कमाल कर दिया। कितनी मेहनत कर रहे हैं काका। इतनी मेहनत तो काका ने अपने खेत में भी नहीं की होगी। सरला दीदी कहवे थी कि जमीन का मालिक घर का मर्द ही होना चाहिए। ऐसी परंपरा असल में इसी कारण से बनाई गई थी कि जब किसी औरत का मर्द मरे तो वो उसे मदद कर सके। आराम से बैठो काका, आप बहुत ज्यादा ही काम कर रहे हो, थोड़ा अपने शरीर का भी ख्याल करो। शरीर का तो क्या है बेटी, जितनी आदत डालो उतनी मेहनत करेगा। पर मैं तो कहती हूँ काका, हमारे खेत का काम आप मत किया करो, वो तो मैं संभाल ही रही हूँ। आप अपना खेत संभालो तो भी बहुत है, आपकी मेहनत हमसे देखी नहीं जाती। नहीं बेटा नहीं, तुम सब लोगों को मैंने जितना परेशान किया है उतना प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। इस बार सानी आ जाए तो तोला राम का हिसाब तो खत्म करना है, फिर सारी झंझट खत्म। क्यों काका? हाँ बेटी, मैं तो कहना ही भूल गया था कि अब सानी की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने तोलाराम से बात की थी, वो तेरी बात मानने को तैयार है। तोलाराम मेरी बात मानने को तैयार है? सानी ने कहा था सिर्फ उतना ही ब्याज लेगा। हाँ हाँ उतना ही। मैंने समझाया था कि सानी आकर भी तुझे कोई ज्यादा पैसा तो देने वाली नहीं, तो फिर क्यों बात को लंबी खींच रहा है? नुकसान तो तेरा ही है, तो वो मान गया। तोलाराम मान गया? माँ ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक सब परेशानियाँ खत्म हो गई। देख तोलाराम भी मान गया। देख मैं तो उससे कागज भी लिखवा लाया हूँ। मैंने बोला जग्गू की बीवी तो तेरी दुकान पर आने से रही, मैं ही उसका अंगूठा लगवा के लाता हूँ और दो चार दिन में पैसे भी भिजवा दूंगा। ले माँ, अब जब एक के बाद एक मुसीबतें टल रही हैं, तो ये मुसीबत को भी आज ही खत्म कर दे। ले मार अंगूठा, मैं कल ही पैसे उसके मुंह पे मार आऊंगी। पर अंगूठा मारू कैसे? अरे हाँ काका, स्याही लाए हो? अरे राम राम भाई, वो तो मैं भूल ही गया। लियो, मैं अभी लेकर आता हूँ, जरा रुकना। हाँ हाँ जाओ। अरे दीता, इस वक्त यहाँ कैसे? अरे कुछ मत पूछो, जल्दी से अंगूठा लगाने की स्याही दो। क्यों, क्या हुआ? अरे बात करने का वक्त नहीं है तोला राम जी, वो माँ बेटी को अंगूठा लगाने के लिए मना लिया तब ये कमबख्त स्याही नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, ये लो और जाओ जल्दी। अच्छा जाता हूँ, राम राम, कल मिलता हूँ। वो सानी कभी भी आ सकती है, उसी के आने से पहले जमीन के कागजात मेरे नाम करवाना बहुत जरूरी है। अच्छा राम राम, चलता हूँ। ये लो स्याही, अब जल्दी से अंगूठा लगा दो, वरना फिर कहीं तोलाराम का इरादा ना बदल जाए। कहाँ? यहाँ अंगूठा लगवाना है? हाँ हाँ, वही पर। काका सही में ये तोलाराम के ही कागजात हैं? हाँ हाँ, और किसके होंगे? कहीं तू हमारी जमीन अपने नाम तो नहीं करवा रहा? अरे बेटी कैसी बात कर रही हो? बेटी मत बोल बुढ़े। हाँ बड़ा गंदा खेल खेला है तूने हमसे। तानी तानी ये क्या कर रही है? मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो चल अभी तोला के पास, उसी से पढ़वा लेते हैं। तोला क्या पढ़ेगा काका, हम दो अनपढ़ ही सही, हमारी बहन तो पढ़ी लिखी है, उसने सब पढ़ लिया है। पढ़ाई लिखाई के फायदे क्या है आज हमने भी देख लिए। बहुत बढ़िया चाल चली थी काका तुमने, बिल्कुल ठीक जा रहा था तुम्हारा ये खेल, लेकिन ठीक वक्त पर तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें साथ नहीं दिया। अंगूठा लगाने की स्याही क्या लेने गया कि ये आ गई। तुमने हमसे कितना गंदा व्यवहार किया फिर भी हमने तुम पर विश्वास किया और तुमने उसका ये फल दिया।
ऐसे तो इसे जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। हाँ रहने दो तानी, कानून हाथ में मत लो, पुलिस को बुला लो और फिर पंचायत में भी तो बुलाएंगे, सबके सामने पोल खोल देंगे इस शैतान की। अच्छा सानी बिटिया, ये तो बता तेरे चाचा दीनू को क्या सजा मिली? जेल की हवा खा रहे, पुलिस की मार खाई तो अलग। तेरी माँ और बहन को इस लड़ाई लड़ने में और बड़ी मुश्किलें आ सकती थी। वो तो अच्छा है कि तू पढ़ लिख रही है, सो सब कायदा कानून जानती है। हाँ कक्का जी, मेरे चाचा ने तो हद ही कर दी थी कमीनेपन की। वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो तो अच्छा हुआ कक्का जी कि मैं ऐन वक्त पर वहाँ पहुँच गई, वरना माँ और दीदी को तो मालूम ही नहीं था कि उन कागजात में क्या लिखा था। पर चलो, अब तो तेरी माँ और बहन को आराम मिल गया, सारे झंझटों से छुटकारा मिला। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी होने को आ गई होगी ना? हाँ कक्का जी, परीक्षा पूरी होते ही मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। तो देखा, अक्षर ज्ञान के महत्व का जीता जागता प्रमाण, कितनी परेशानियों से बचने का सीधा और सचोट उपाय। सोचना तुम लोग भी। राम राम, खुदा हाफिज, गुड बाय। ज्ञान बिना नर पशु समाना, कह गए तुलसी संत सुजाना। कक्का जी ने मरम ये जाना, काम बनाए अक्षर ज्ञान। Yeah.